भाई लोग, स्वागत है आपका टाइम टॉक्स के 9th एपिसोड में। आज बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ धमाकेदार न्यूज के बारे में, तो बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे इमरान हाशमी एंड अक्षय कुमार स्टारर सेल्फी मूवी की, जो हाल ही में रिलीज हुई और ये अक्षय कुमार के करियर की सबसे बड़ी डिजास्टर मूवी साबित हो रही है। ये मूवी डिजास्टर इसलिए भी साबित हो रही है क्योंकि लास्ट टाइम राम सेतु दिवाली के टाइम पर रिलीज हुई थी और उसने 15 करोड़ की ओपनिंग ली थी और वो भी फ्लॉप रही, तो इसका क्या हाल होगा ये आप समझ ही सकते हैं। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि अक्षय कुमार की मूवी दाल चावल की तरह हो गई है, हर 2-3 महीने में एक दो मूवी उनकी रिलीज हो जाती है, थिएटर में नहीं तो OTT पे आई जाती है। आई थिंक अक्षय कुमार को अब ये सोचना और समझना होगा कि उनके फैंस अब क्वालिटी चाहते हैं, क्वांटिटी नहीं। सेल्फी के तुरंत बाद ये पिक्चर इंटरनेट पर अपलोड हुई और इस पिक्चर ने सबको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया। बात कर रहा हूँ एराफेरी 3 की, जो अपनी ओरिजिनल कास्ट के साथ वापस आ रही है 17 सालों बाद। एंड ये मूवी फ्रेंचाइजी कितनी ज़्यादा फनी और औसम है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पहली कॉमेडी मूवी हेराफेरी TV पर ही देखी थी और मेरी इससे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही मेरी चिंता का विषय ये भी है कि इस मूवी के डायरेक्टर फरहाद शाम जी होने वाले हैं, जिन्होंने एंटरटेनमेंट बच्चन पांडे हाउसफुल 3 और 4 बनाई है। एंड करंटली वो सलमान खान के साथ किसी का भाई किसी की जान पे काम कर रहे हैं। उनको लेकर मेरा कोई हेट नहीं है, बट एज अ फैन मैं हेराफेरी 3 को एक अलग लेवल की मूवी देखना चाहता हूँ और ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो मैं उसके साथ कोई चांस लेना नहीं चाहता। एंड अक्षय कुमार के करियर की ये वन ऑफ दी बेस्ट मूवी बने एंड हेराफेरी फ्रेंचाइजी को ये और भी आगे तक ले जाए और एक नई ऊंचाइयों पे खड़ा कर दे। साथ ही खबर निकल कर ये भी आई है कि इस मूवी में हमें संजय दत्त एज अ विलन नजर आएंगे और इसको सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। एंड मैं पर्सनली चाहूँगा कि उनका कबीरा के साथ एक कनेक्शन बिल्ड किया जाए और मूवी के अंदर हमें आइकॉनिक डायलॉग सुनने को मिले कबीरा वाला। नेक्स्ट टॉपिक अपना कार्तिक आर्यन से जुड़ा हुआ, जिन्होंने कल शाम को भूलभुलैया 3 का एक टीजर लॉन्च कर दिया। और मुझे ये आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं कि उस मूवी ने 140 करोड़ उस टाइम पर कमाए जब बॉलीवुड काल काफी बुरा चल रहा था एंड बड़े बड़े स्टार्स की मूवी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह पड़ रही थी। एंड कार्तिक आर्यन के चार्म ने मेकर्स को निराश नहीं किया। इन दी लास्ट अजय देवगन सर ने भोला का ट्रेलर डेट लॉन्च कर दिया है, आज से 4 दिन बाद हमें वो ट्रेलर देखने को मिलेगा। मैं उस पर रिएक्शन करूंगा, तो वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। पठान के बाद सिर्फ भोला ही एक ऐसी मूवी है जिसकी हाइप सबसे ज्यादा है एंड उम्मीदें तो इतनी है कि पूछो ही मत। खैर इसके अलावा तुम मुझे बताओ कि तुम इन सब के बारे में क्या सोचते हो, हेराफेरी 3 को लेकर तुम्हारे क्या ओपिनियन है, भूलभुलैया 3 के बारे में तुम क्या सोचते हो और भोला मूवी के लिए तुम कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में अपने ओपिनियन जरूर बताना, मैं जरूर जानना चाहूँगा। और मैंने भोला मूवी के ऊपर भी बात की हुई है कि कैसे वो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके अलावा ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, उस चैनल पे कहीं से भी नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दो यार, जल्दी से 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। इस बार टारगेट 400 सब्सक्राइबर के लिए रखते हैं, तो मार्च में 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा देना, फटाफट से शेयर कर दो। और इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो वहां से फॉलो कर लेना, वहां भी मैं काफी अमेजिंग पोस्ट करता हूँ। और इसके अलावा खुश रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।